अक्सर लोग पूछते थे कि आप लोगों की एक और बेटी भी है, तो ये हमारी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अनी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक, घरों में कुछ बात हंसते बसते मुस्कुराते। एक नए वीडियो में आप लोगों को वेलकम। तो जनाब जबरदस्त माहौल बन चुका है, माहौल ये बन चुका है। आज हमने सुबह सुबह निकलना था कहीं जाने के लिए, कहीं जा रहे थे तो भाई साहब सुबह उठ गए तो लाइट नहीं थी खैर से, और गई 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 12 बज गए, लाइट अभी तक नहीं आई। तो खैर हमने ये नियत कर ली है, जिन्होंने कहा जिनके घर हमने जाना है उन्होंने हमें ना कह दिया कि अगर आप लोग इस बार भी ना आए ना हाँ, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, जुर्माना ऊपर से उन्होंने रख दिया जुर्माना, और साथ ये कहा हमसे बुरा नहीं होगा। हमने कहा वो तो हमें पता है ना, बाकी जुर्माने की वजह से हम जा रहे हैं। तो वो भाई साहब ये सीन बना खड़ा है कि हमने ये सोचा कि बुरा बनाने से बेहतर है हम चले जाए, पैकिंग कर लेते हैं, नहाए धोए बगैर मुंह हाथ धोते हैं और मुंह हाथ धो के ना निकल जाते हैं, फिर उन्हीं के घर जाके नहा धो लेंगे। बिल्कुल ये भी सही है। तो ये कपड़े शपड़े बच्चों के हम डाल देते हैं, बच्चों को भी छुट्टी करवाई है। शहरी देखो, शहरी मुंह धोया उठ के? बच्चों को वैसे भी छुट्टियां अगली 3 दिन। हाँ तो इनको भी साथ लेके जाते हैं, इनको भी जरा कुछ दिनों के घुमा शुमा के ले आते हैं। ये जब स्कूल जाते हैं इनको नोजियां लग जाती है, पता नहीं क्या सीन खराब है। तो ये सीन खराब हो चुका है। कपड़े से बड़े पैक करो, ये एक छोटा सा बैग है जो हम रेडी कर रहे हैं, तो हम बड़ा नहीं ले जाते ना कि मेजबान डाल भाई ना नकी प्रोग्राम है आप यही यही से नहीं पहनोगी? हाँ। आप तो यहीं से पहन लोगी, साफ है आपके तो है। हाँ जी, मैं आप लोगों की तरह गंदी थोड़ी हूँ। हाँ ये तो है। हाँ हम फेल ही नहीं करते, और क्या, चलो साफ होना चाहिए इंसान का। हाँ खैर खैर। तो मैं भाई साहब मैंने वैसे ये है कि ऐसे ही खड़ा हूँ, कोई कपड़े और पहन लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो मैं कल पहन के फिरता था ना वही पहन के लेके चला जाता हूँ, फिर वहीं कालपुर लेंगे। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ से तो हम जाए ना, अल्लाह खैर करे। क्योंकि लाइट का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है, लाइट शायद 12 बजे तक नहीं आई, हो सकता है ये 3-4 बजे जाके आए। अगर 3-4 बजे आती तो फिर हम जा नहीं सकेंगे, दिन छोटे हैं अभी तो, इतने बड़े नहीं हुए, कुछ तो फिर भी बड़े हैं लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए। तो खैर भाई सब निकलते हैं यार, लेट हो रही है। टैग में काट रही हूँ एहतियातन पहले। हाँ हाँ, अक्सर हमारे कपड़ों के साथ टैग लगे ही रह जाते हैं। नए नए कपड़े लेते हैं, टैग उतारने को दिल नहीं करता ना भाई। हाँ डालो डालो से है हम। लाओ जी भाई साहब फाइनली हमने कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, बगैर लाइट के, बगैर नेट के, बगैर पानी के। चलो जी कोई बात नहीं, लाइट अच्छा बड़ी लाइट भी अभी चलेगी यूपीएस पे। हाँ देख हाँ जी, ये जनाब जी इन्होंने लिया था सूट, ये सावा रंग, वाह तोता, मैं तोता, तोता मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता है। इसके साथ मैंने ये मैच की है, ठीक है, क्या मैचिंग है, मैंने केड़ियां गल्ला है, आपको क्या पता। बस हमारा सूट सबसे बेस्ट है, सब ने कहा है। नहीं नहीं नहीं, सब ने ज्यादा ने कहा कि तसव्वुर भाई का अच्छा है, तसव्वुर भाई की पसंद अच्छी है। मैंने इसलिए तो तसव्वुर भाई पसंद किया था। आप लोगों का तसव्वुर भाई, चलो अच्छा। और कुछ रखने वाला है? बस बस चले घूके जी, चले जी। सामान हमने इधर पैक कर लिया, एक डब्बा नहीं मतलब एक बैग, वो सामने पड़े, एक ये बैग, एक ये। बस करो शापा, ये शापा टॉयज का भर के जा रहा है। हाँ चलो बस करो, आ जाओ, बस करो बस करो बस करो। गाड़ी में हमने ये सामान रख लिया है और ये भी रखना है इधर, ये इधर, ये ऐसे हो गया, ये बैग हो गया। रखो जी अपना सामान सामान, शहरी ने अपनी सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उठा ली हैं, हमने ये सारा सामान उठा लिया है, आपने अपना बैग, चलो फिर रखो इसको बंद करो, चलो सूट के साथ नया बैग होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं अगले बैग सारे रोल गए। अच्छा जी माशाल्लाह से खैर से जी हम निकल रहे हैं आप लोगों की दुआओं के साथ,
और जहाँ जहाँ पे ना हम रुकेंगे ना रास्ते में, हाँ कोई अच्छा माहौल नजर आया तो फिर आप लोग वो भी शेयर करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह जहाँ मंजिल पे जाना है ना वहाँ पे झूले भी आ जाएगा, अभी खेलने भी है। अच्छा हाँ, बिल्कुल चले झूले लाजमी, बेचारों को जब भी हम ले जाते हैं ना ये बेचारे पार्क पार्क करके ना थक जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला का टाइम निकाल के इनको भी ले जाएंगे, बाकी बच्चे भी होंगे। तो पहले तो मूड बना था शहरी को घर छोड़ जाए, फिर तसव्वुर कहते कि अकेला बोर हो जाएगा, तो चलते हैं हम, हमारे इलाके में शादी भी है। आहा, सदके, सदके। नहीं चढ़ूंगा घोड़ी, चूली पे चढ़ जाऊंगा, ये देखें जी शादी, फिर भी घोड़ी चढ़ जाते हैं। चलें जी चलते हैं। लो जी हम जा रहे थे रास्ते में, रास्ते में एक छोटी सी ना हमें गुड़िया मिल गई है, बहना मिल गई, शहरी सुरेश की बहना हमारी बेटी हमें रास्ते में मिल गई है ऐसे सड़क पे। हाँ ये देखे, हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है, देख ले अल्लाह ताला देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, दे देता है। अच्छा सब लोगों ने बताना ये कौन है, तो फिर हम भी बताएंगे भाई कौन है, मजा आएगा। फिर देखो आप लोगों ने हमारे विलाग में फर्स्ट टाइम देखा है, अक्सर लोग पूछते थे कि आप लोगों की एक और बेटी भी है, तो ये हमारी बेटी है, मिल गई हमें, ऐसे ही मिल गए, बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। नहीं हमें अच्छा आप लोगों ने बताना ये कौन है, जिसने बूझा उसको इनाम, आहा जिंदाबाद जिंदाबाद, हो गया भाई डन, बिल्कुल चलो बस ठीक है जी। और इनकी एक मम्मा है, उनको हमारा स्पेशल सलाम, हमें आपकी बेटी और हमारी बेटी, हाँ। हमें रास्ते में मिल गई है, देख रहे हो तो हमने गाड़ी में बिठा लिया अकेले, और उनके जो है ना वाले साहब और भाई साहब वो पीछे गाड़ी में है वो हमारे पीछे पीछे हैं। चलो हमने, हाँ भाई ये अब हमारे इलाके से आए हैं तो हम चाय पानी तो बनता है, तो हम जा रहे थे तो मिले हैं रास्ते में, तो अब बस। अच्छा मसीब ये हम घर से निकले ना, क्योंकि हम मेन रोड पे, रोड तो हमारा मेन, अल्लाह खैर करे ऐसे आने की क्या ही बात है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो हमें मिल गया रास्ते में, उन्होंने इशारा दिया, हमने गाड़ी रोकी तो उन्होंने कहा हम तो आपके देखने वाले हैं जी, हमने कहा ठीक है जी, तो बस फिर गपशप हुई है, फिर ये हमारे साथ बैठ गई, हमने इनको बिठा लिया, बाकी फैमिली को हमने अलग कर दिया, तो लेट्स गो जी, इनको चाय पानी करते हैं, फिर इंशाल्लाह इन्होंने भी उसी रास्ते पे जाना जिस रास्ते पे हमने जाना है, तो मैंने गपशप भी हो जाए आप लोगों से। लो जी लो बेगम मुबारक हो। अच्छा जी ओ हम पहुँच चुके अपने सिटी, और ये हैं भाई साहब, ये हैं इनके बेटे और ये हैं इनकी बेटियाँ। असल में सीन ये है कि ये रास्ते में मैं मिल गए, तो फिर हमने आपकी बेटी का तो विलाग में ले लिया पहले ही, और मज़े की बात है इन सब से ज़्यादा जो है ना वो हमें देखने वाली हैं इनकी मिसेज, ऐसे ही है ना, तो बुशरा, बुशरा हमारी जो बहन बुशरा है ना वो हमें सबसे ज़्यादा देखती है, तो सलाम एक तो हमारी तरफ सलाम हो गया डिसरा बुशरा बहन, और ये आपका पूरा परिवार हमें यहाँ मिल गया, अब हम इनको किडनैप करके लेके जा रहे हैं अभी, तो देखते हैं फिर क्या बनता सीन ना। अच्छा जी यहाँ पे कोई चाय पानी हो गया हमारी तरफ से इनको, और खैर अभी जहाँ पे हमने जाना वहाँ के लिए हम कुछ पैकिंग शैकिंग करवा रहे हैं, वो भी करवा लेते हैं, तो निकलते ही हमारे इलाके की अच्छी शॉप है यहाँ पे ना, बैटरी का सामान वगैरह सब अच्छा मिल जाता है, तो इधर गप शप हो रही है यहाँ पे ना मेहमानों की, हमें कुदरती मिले रास्ते में माशाल्लाह से जी। हमारे साथ मेहमानों का सफर यहाँ तक था, ये जगह कौन सी है, बाहू सुल्तान, उन्होंने यहाँ से आगे जाना है इसी रोड पे अंदर की तरफ, तो अल्लाह उनको खैर खैरियत से ले गए, दरबार में उन्होंने दरबार पे ज़ियारत करनी थी, तो वो ये साइड वाली दरबार वाली साइड है, हाँ। तो वहाँ चले गए, ये वाली, हाँ ये वाली, तो इधर, और हम लोग अब आगे जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, चलते हैं चले, अल्लाह उनको खैर खैरियत से ले जाए, आप लोग बहुत अच्छे बंदे थे, अच्छी फैमिली थी माशाल्लाह, और हमारी भाभी जो है क्या नाम था उनका, बुशरा सिस्टर, उनको एक वंस अगेन सलाम, तो जरूर आइएगा जी, हमने दावत दी है आपके घर वालों को ना भाई, आप आइएगा तो आप आइएगा मेरी तरफ, तो खैर अभी लेट्स गो चलते हैं सीधा, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मिलने का, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, चलते हैं आगे, ये रोड है पीछे बच्चे लड़ना शुरू हो गए। अच्छा जी अभी हम इधर से आए हैं, हमने इधर आगे जाना है, और रास्ते में एक आया पठान होटल, देखो बड़ा होटल है जी, इस पर आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो आपको आइडिया लगना चाहिए ये कितना बड़ा होटल है, और हम भाई सब यहाँ बैठ गए हैं बिल्कुल, ये बड़े बड़े चारपाइयाँ हैं, बड़े बड़े चारपाए हैं, छोटे भी नहीं बड़े बड़े हैं, यहाँ पर बैठ गए हैं, और हमारा मूड है खाने का, वैसे अंदर फैमिली का सेटअप है इनका, तो हम वैसे चस्का मारने के लिए बैठ गए, और तू क्या नहीं है क्या जी, हमने कुछ चीज़ मंगवाई है, आपको दिखाते हैं कि क्या मंगवाया, ये देखें जी हम जिस होटल पे रुके हैं ना, हम उसकी बैक साइड पे अब आ गए हैं, और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा खेलने का मौका मिल गया, और हमें यहाँ पे
बिरयानी खाने को मिलती है, पुलाव है, बिरयानी नहीं है। हाँ, मतलब इनकी तो बिरयानी है ना। चलो जी ये खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। चलो आ जाओ खा लो कुछ। ये सारा कुल झूले झूले हैं जी, झूले झूले। चलो भाई जनाब जब मंदिर पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आहा माशाल्लाह मुबारक बर्थडे सारी। अपना घर है, अपना घर है, परेशानी खत्म। किराया तो कहने देना भाई जी। ओए ना ओए ना, अपना घर है माशाल्लाह जबरदस्त। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। मिलना भी हो गया और खाना भी बन रहा है, तो अब वो तैयारी भी कर लेते हैं। निशा खाना बना रही है तो हम देखते हैं क्या क्या बना है, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। माशाल्लाह से वो लगी हुई है। असल में ना उनका कुकिंग वो चूल्हा है एक ही है, तो वो बारी बारी एक डिश बना रही है, तो बड़ी मेहनत कर रही है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी लेते हैं इजाज़त अपनी दुआ में याद। और अभी यहाँ पे हो चुकी है शाम, और मैंने जाना था वाशरूम, तो मैंने कहा यार व्लॉग का एंड करते हैं। वाशरूम को देख के कुछ याद आता है यहां पे फिरोज भाई को धो धो के नहला। लाइट में बल लगा। हां हां ओ भाई फिरोज आ गया। फिरोज ने कहा लाइट तो जला लो। इस वाशरूम को देख के हमें बड़ा कुछ याद आता है जी। इस वाशरूम को देख के बड़ा कुछ याद आता है, जितना हमने आप लोगों को धोया है। इसी में नहीं आते थे आप लोग सब नहाने के लिए रात को? हां इसी में आते थे। अच्छा अच्छा टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं इसी वॉशरूम की तरफ जा रहा था ना, तो मैंने कहा चल वीडियो का एंड करते हैं, तो फिर मुझे याद आ गया। मैंने कहा अच्छा मैंने इस वॉशरूम में जाना है, क्योंकि यही शावर करते थे हम, यही शावर था, यही शावर था। शुक्र है कि वो गीजर मेरा था, अगर नहीं होता मैं तो मर जाता। शुक्र है गीजर लगाया हुआ था यार। तो भाई साहब खाना शाना बन रहा है, खाना शाना के इंशाल्लाह बाद में दिखाएंगे। शाम हो चुकी है, वीडियो अपलोड करनी है, तो अगली वीडियो मुलाकात होती है एक नई डेस्टिनेशन पे। अभी हमने आगे सफर करना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।